अगर आप फ्रेशर हो, आपने अभी अभी बीटेक किया है 2024 में, या आपको 1 साल हो गया है जॉब करते करते फील्ड के अंदर में, या फिर 4 साल की जॉब के बाद आप बिलिंग में जाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि बिलिंग का ये जो सीरीज चालू हुई है ये आपको कंटिन्यू देखने को मिलती रहे। और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा देना। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन जरूर जाएगा और ये वीडियो आपको मिल जाएगी। तो इस सीरीज को बिल्कुल भी स्किप मत करना। बिलिंग, ये आपने मेरी सीरीज देख ली तो बिलिंग कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ डिडक्शन करते हैं, मेजरमेंट जब करते हैं तो मेजरमेंट में कौन कौन से कोड का यूज होता है, ठीक है, कौन सा मोड ऑफ मेजरमेंट क्या है, ये सब चीज मैं आपको इस सीरीज में बताने वाला हूँ। पहली जो सीरीज थी मेरी वो लेबर प्रोडक्टिविटी के बारे में थी, लेबर कोफिशिएंट के बारे में थी, लेबर कॉस्ट के बारे में थी। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा और उन वीडियो का भी लिंक डाल दूंगा जो लेबर प्रोडक्टिविटी की, लेबर कोफिशिएंट की वीडियो मैंने बनाई है, वहां जाके आप देख लेना। एंड स्क्रीन पे भी एक वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा, उससे कंटिन्यू कनेक्टिविटी होती रहेगी, सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। ये मेरा जो बिलिंग है, ये बिलिंग का पार्ट टू है। पार्ट वन में मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो वो आप जरूर देख लेना। मैं आई कार्ड पे इसका लिंक दे दूंगा, वो वहां जाके आप देख लेना उसको, ताकि आपको पिछला वीडियो पार्ट वन आपको देखने को मिल जाए, तब आप इसको देखोगे तो आपको कंप्लीट समझ में आएगा कि बिलिंग में क्या क्या फैक्टर होते हैं, बिलिंग में क्या क्या स्टेप्स होती है, बिलिंग में क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं जो हमें हमें ध्यान रखना चाहिए। ये जो वीडियो है मैं आपको इसमें मेजरमेंट करना सिखाऊंगा कि मेजरमेंट कैसे करते हैं, कैसे मेजरमेंट शीट बनाते हैं, और इसका इस मेजरमेंट शीट का एक्सेल में मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से देख लेना। और टेलीग्राम में भी मैं इसका लिंक देख लूंगा, आप वहां से भी देख लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जब भी मेजरमेंट करें किसी भी आइटम का, किसी भी एक्टिविटी का, तो सबसे पहले हमें ये शीट बनानी आनी चाहिए। ये शीट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा बेसिक है। अगर ये शीट हमने बना ली तो आगे की स्टेप बिलिंग में कैसे करते हैं वो भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो मैं देखो इसको मैं शेयर कर दूंगा आपको, आप वहां से ले लेना, टेलीग्राम से ले लेना और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से देख लो। तो देखो सबसे पहले पहले मैं बता दूं, सबसे पहले जब हम किसी भी बिल्डिंग का बिलिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें एक्टिविटी पता होनी चाहिए कि पहले कौन सी होती है एक्टिविटी, बाद में कौन सी होती है। तो मैं आपको एक इंट्रो दे देता हूँ उसका। देखो सबसे पहले एक्सकवेशन करते हैं, सबसे पहले लेआउट करते हैं। लेआउट करने के बाद, लेआउट का कोई मेजरमेंट नहीं होता है, एक्सकवेशन एक आइटम होता है, एक एक्टिविटी होती है, इसका हम क्वांटिटी निकालते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सकवेशन करते हैं, उसके बाद में एक्सकवेशन करने के बाद में हम पीसीसी करते हैं, पीसीसी करने के बाद में हम फॉर्म वर्क लगाते हैं, हम प्लेसिंग करते हैं, कंक्रीट करते हैं, उसके बाद में एक एक्टिविटी होती है जीएसबी करते हैं हम, जीएसबी करने के बाद में डैम प्रूफ कोर्स करते हैं, टाइल्स लगाते हैं, सेरेमिक टाइल्स लगाते हैं, ब्लॉक वर्क करते हैं, प्लास्टर करते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी एक्टिविटीज हैं जो मेजरमेंट हम करते हैं तो हमें उसमें जरूरत पड़ती है। टाइल्स, वॉल टाइल्स भी होती है, फॉल सीलिंग होती है, इंटरलेशन होता है, डोर्स होते हैं, उसके बाद विंडोज होती हैं, और वाटर प्रूफिंग होती है, बैकफिलिंग, एक्सकवेशन के बाद बैकफिलिंग होती है, यहाँ मैंने दे दी है, बैकफिलिंग सेकेंड नंबर पे आनी चाहिए। उसके बाद में रेन वाटर पाइप होते हैं, एक्सटर्नल प्लास्टर, एक्सटर्नल पेंट्स, ये सारी की सारी एक्टिविटीज है जब हम मेजरमेंट करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए। इसमें मैं आपको एक इंट्रो दे रहा हूँ और कैसे मेजरमेंट निकालते हैं वो दे रहा हूँ, डिटेल में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो देखो ये सबसे पहले क्या करते हैं, हम लेआउट करते हैं, लेआउट करने के बाद एक्सकवेशन करते हैं। सपोज दैट अगर हमारी 6 नंबर फुटिंग है, ये नंबर ऑफ फुटिंग यहाँ पे होगी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर बनाएंगे, डिस्क्रिप्शन बनाएंगे कॉलम, उसके बाद यूनिट ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल का या एक्टिविटी का यूनिट क्या है वो हम इसमें कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद नंबर लिखेंगे, किसी भी आइटम के कितने भी नंबर हो सकते हैं इसलिए नंबर का कॉलम हम जरूर बनाएंगे। उसके बाद लेंथ, डायमेंशन में हम लिखेंगे लेंथ, विड्थ, डेप्थ या हाइट। डेप्थ में और हाइट में इतना ही फर्क है, अगर जमीन से नीचे जा रहे हैं हम तो उसको हम डेप्थ बोलते हैं, और जमीन से ऊपर जा रहे हैं उसको हम हाइट बोलते हैं। क्वांटिटीज, क्वांटिटीज क्या होती है, अगर किसी का वॉल्यूम, लेंथ और विड्थ है तो उसको मल्टीपल करके क्वांटिटीज निकाल जाएगी, किसी का वॉल्यूम अगर लेंथ तो डेप्थ है, यानी क्वांटिटी निकालने में अगर हमें 2 डायमेंशन का यूज हो रहा है तो हम 2 को मल्टीपल करके क्वांटिटी निकालेंगे, 3 का हो रहा है तो 3 को मल्टीपल करके यहाँ पर हम क्वांटिटी निकालेंगे। क्वांटिटी हमारी क्यूबिक मीटर में हो सकती है, स्क्वायर मीटर में हो सकती है, और केजी में हो सकती है, टन में हो सकती है, किसी भी यूनिट में हो सकती है क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद रिमार्क्स,
तो ये हमारी मेजरमेंट शीट है, इसको आप ध्यान से देख लो। ये अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो बार बार देखना वीडियो, और इसको मैं शेयर कर दूंगा आपको। उसके बाद एक्सकर्वेशन करने के बाद में जैसे यहाँ पे हमारा फुटिंग 6 नंबर आ गया, फुटिंग का साइज लेंथ और विड्थ 2-2 मीटर का हो गया, डेप्थ उसकी 2 मीटर हुई, तो इन तीनों को मल्टीपल करने के बाद में 6 से मल्टीपल कर देंगे तो हमारा क्वांटिटी निकल के आ जाएगा 48। ये हमारा इस तरह से एक्सकर्वेशन आता है। उसके बाद में पीसीसी, पीसीसी की थिकनेस जो होती है 0.1.75 यानी 100 mm 75 mm ये होती है। पीसीसी की इससे ज्यादा थिकनेस होती ही नहीं है, या डेप्थ कह सकते हैं हम, इससे ज्यादा होती नहीं है, तो 0.1 या 0.75। 6 नंबर फुटिंग है, उसका साइज है, डेप्थ उसकी जो 0.1 है उसकी क्वांटिटी निकाल लें। इसी तरह से सारे फुटिंग की निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमारा ये फॉर्म वर्क मतलब शटरिंग, शटरिंग की यूनिट जो होती है हमारी स्क्वायर मीटर में होती है। ऐसे ही हम शटरिंग की क्वांटिटी निकालेंगे, लेंथ और विड्थ मल्टीपल कर देंगे, यानी लेंथ और डेप्थ या लेंथ और विड्थ और 6 नंबर जो हमारा नंबर ऑफ फुटिंग है उसको मल्टीपल कर देंगे तो हमारी क्वांटिटी निकल जाएगी, चाहे वो फुटिंग की हो, चाहे स्लैब की हो, चाहे कॉलम की हो, इसी तरह से हम निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद निकालेंगे हम कंक्रीट, शटरिंग के बाद में कंक्रीट M25 या RCC हमारी, सेम वही तरीका है। अगर हमारी फुटिंग का साइज 1600 by 1600 यानी 1.6 by 1.6 है, डेप्थ उसकी 250 है, तो तीनों को मल्टीपल कर देंगे, 6 नंबर फुटिंग है तो 6 से मल्टीपल कर देंगे, उसकी क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। बाकी सारी पेडेस्टल की, प्लिंथ बीम की, ग्रेट स्लैब की, कॉलम की, स्लैब की, सब इसी तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद निकालेंगे हम GSB, उसके ऊपर में GSB भी डलता है 200 mm का, तो GSB में भी ऐसे निकाल लेंगे, लेंथ और विड्थ कर लेंगे, एक नंबर है, टोटल सबको एक साथ निकालेंगे, 0.2 से मल्टीपल कर देंगे, क्यूबिक मीटर में क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। GSB की क्वांटिटी क्यूबिक मीटर होती है। डैम प्रूफ कोर्स जो एक DPUC होती है 25 mm की या 50 mm की, वो पूरी लेंथ होती है उसकी, और उसकी विड्थ से मल्टीपल कर देंगे, स्क्वायर मीटर में इसको निकालते हैं। क्यूबिक मीटर में भी निकाल सकते हैं, लेकिन DPUC मोस्टली स्क्वायर मीटर में निकलती है। तो हमारी ये क्वांटिटी निकल के आ गई 4.74 स्क्वायर मीटर के अंदर। ऐसे टाइल तो स्क्वायर मीटर में होती है, तो टाइल्स निकाल लेंगे हम 12 स्क्वायर मीटर। कभी कभी क्या होता है, जब बिलिंग इंजीनियर एक्सपर्ट हो जाता है तो उसको ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, वो पॉलीगन से कमांड होती है ऑटोकैड की, डायरेक्ट उससे एरिया निकाल के कौन से मल्टीपल करके सीधा एरिया भी निकल, वो मैं आपको आगे बताऊं, अभी आपको समझ में नहीं आ गई। सेरेमिक टाइल्स, ऐसे सेरेमिक टाइल्स निकाल लेंगे हम लेंथ और विड्थ करके, ACC ब्लॉक लेंथ विड्थ डेप्थ करके निकाल लेंगे, ठीक है। इनकी क्वांटिटी यूनिट में होती है। और उसके बाद में हम इंटरनल प्लास्टर लेंथ विड्थ स्क्वायर मीटर में होती है इसकी क्वांटिटी। पेंट की भी सेम, जितना हमारा ये निकल के आता है इंटरनल प्लास्टर या प्लास्टर, उतना ही पेंट निकल के आता है। ऐसे ही हमारा वॉल टाइल्स लेंथ विड्थ कर देंगे, वॉल टाइल्स निकल के आ जाएगा। फॉल सीलिंग लेंथ विड्थ कर देंगे, फॉल सीलिंग निकल के आ जाएगी। ग्रेनाइट स्क्वायर मीटर में होता है, लेंथ विड्थ कर देंगे, ग्रेनाइट की क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। वेंटिलेशन साइज लिख देंगे हम, नंबर होते हैं वो, नंबर में होते हैं, एरिया भी निकल लिख सकते हैं, नंबर में साइज लिख के नंबर भी लिख सकते हैं, वेंटिलेशन नंबर में भी निकल सकते हैं, ठीक है। ऐसे डोर्स, डोर का साइज लिख दिया स्क्वायर मीटर में निकाल दिया हमने, टफन ग्लास भी स्क्वायर मीटर में निकाल दिया हमने, विंडो भी स्क्वायर मीटर में निकाल दी लेंथ विड्थ, ग्रेनाइट काउंटर ये भी स्क्वायर मीटर में निकाल दिया, वाटर प्रूफिंग ये भी स्क्वायर मीटर में होती है, ठीक है। बैक फिलिंग क्यूबिक मीटर में होती है, रेन वाटर पाइप रनिंग मीटर में होता है, डायरेक्ट लिख दिया। एक्सटर्नल प्लास्टर अभी आपको समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अभी मैं डेप्थ में नहीं बता रहा हूँ, आपको एक प्रीव्यू दे रहा हूँ आपको कि कैसे क्वांटिटी निकालते हैं, मेजरमेंट शीट कैसे बनाते हैं, और आइटम्स की क्या क्वांटिटी होती है, क्या यूनिट होती है, यूनिट ऑफ मटेरियल क्या स्क्वायर मीटर में होता है, कौन सा जो है क्यूबिक मीटर में होता है, ये बता रहा हूँ मैं आप डिटेल में। बहुत कुछ है बताने के लिए, मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊँ, अभी आप इतना ही समझ लो कि कैसे मेजरमेंट शीट बनाते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल प्लास्टर भी स्क्वायर मीटर में होता है, पेंट भी स्क्वायर मीटर में होता है, ठीक है, लेंथ विड्थ करके। तो ये पूरी मेजरमेंट शीट है, अब हम इसकी समरी बनाएंगे। समरी जो बनाते हैं हम, ये हमारी समरी, हम क्या करेंगे, सीरीज में एक्टिविटी लिख लेंगे, अर्थवर्क, बैकफिलिंग, PCC, इस तरह से सारी एक्टिविटी लिख लेंगे, और ये जो क्वांटिटीज है ये यहाँ से लिंक कर देंगे। जैसे एक्सकर्वेशन हमारा 48 नंबर है, सीधा हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू दबाएंगे और ये क्वांटिटी यहाँ से सीधे सीधे उठा लेंगे, तो इस तरह से हमारी ये क्वांटिटी आ जाएगी। यहाँ से हमने लिंक कर दिया ये सारा का सारा, तो सारी क्वांटिटीज यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो ये तरीका होता है मेजरमेंट शीट बनाने का, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्त, जैसे मैंने बताया आपको उस तरह से आप बनाओगे तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। ये वीडियो देखने के बाद में आप इजीली बिलिंग कर पाओगे, ये बेसिक है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आगे भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसे वीडियो मैं आपको देता रहूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू, जय हिंद।